साल 2025 में दो राशियों के लिए कठिन समय आने वाला है। इन दो राशियों को जल्द ही शनि की ढैया शुरू होने वाली है। शनि की ढैया के दौरान शनि देव लोगों के उनको कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करते हैं। शनि की ढैया अपने नाम के अनुसार 2.5 साल की होती है। यह समय कई लोगों के लिए कष्टकारी बनता है तो कई लोगों के लिए शुभ होता है। शनि की ढैया की अवधि 2.5 साल की होती है। इस दौरान शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होती है। यह समय बहुत ही कष्टकारी होता है। अगर किसी पर शनि की ढैया का प्रकोप हो तो उन्हें बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो शनि की 7.5 हो या फिर ढैया, उसके दुष्प्रभाव से आसानी से बचा जा सकता है। इसलिए ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक से जानते हैं कि शनि की ढैया या 7.5 होने पर किस प्रकार से बचा जा सकता है, तो आइए जानते हैं विस्तार से। 2025 में शनि की ढैया से दो राशियां प्रभावित होने जा रही हैं। इन राशियों के लिए कठिन समय प्रारंभ होगा और शनि की ढैया में शनिदेव जो हैं कर्म के अनुसार हमको फल प्रदान करते हैं। तो यह 2.5 साल की अवधि जो है इन दो राशियों के लिए कभी शुभ रहेगी, कभी अशुभ रहेगी, कभी जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा और कभी समय अच्छा भी हो सकता है और शनि के प्रभाव से समय कष्टकारी भी हो सकता है, ऐसी स्थिति बनेगी। तो 2025 में शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही अभी वर्तमान में शनि जो है कुंभ राशि में है और 2025 में शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे और मीन राशि में 2025 में शनि के राशि परिवर्तन करने के साथ ही शनि के कुंभ राशि से मीन राशि में जब वह गोचर करेंगे, प्रवेश करेंगे, तो कर्क और वृश्चिक राशि जो है वर्तमान में ढैया से जो चल रही है ढैया से मुक्त हो जाएंगे और सिंह और धनु राशि के जो जातक हैं वह इस 2025 से आने वाले 2.5 साल के लिए इस शनि की ढैया से प्रभावित होंगे। अतः इन राशि के जातकों को हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, हनुमान जी की विशेष साधना करना चाहिए, शनि देव के जो शनि के मंत्र हैं उनका जप करना चाहिए, शनि चालीसा का दान करना चाहिए और शनि के संकटों से निवृत्ति के लिए जो शनि के दान बताए गए हैं उन दान को करना चाहिए। ऐसा करने से यह सिंह और धनु राशि के जो जातक हैं इस शनि की ढैया के समय जो संकटकारी समय रहेगा उसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त सिंह और धनु राशि के जो जातक हैं जिनके ऊपर यह ढैया प्रारंभ होने जा रही है उनको किसी भी प्रकार का लेन देन करते में विशेष सावधानी रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का यदि ऋण ले रहे हैं, बैंकों से लोन ले रहे हैं, उसमें भी विशेष प्रकार से सावधानी करना चाहिए और वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाना चाहिए। मांस मदिरा के सेवन से इनको दूर रहना चाहिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार सिंह और धनु राशि के जो जातक हैं यह इस ढैया से प्रभावित होंगे। तो भगवान शिव शंकर महामृत्युंजय की यदि वे सेवा साधना करते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय जप रुद्राभिषेक इत्यादि कराते हैं तो निश्चित ही शनि के जो दुष्प्रभाव है उस दुष्प्रभाव से वे बच सकेंगे और उनके जीवन में मंगल होगा।